यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं आप सब लोग बेटा। ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नई वीडियो में। गाइस, आज के क्लास के अंदर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे हमारे पिछले 2020 के अंदर जो 17 अक्टूबर को एनटीएनएट का कॉमर्स का जो पेपर हुआ था उसके बारे में। सर अभी तो तैयारी करनी है 21 के लिए तैयारी करनी है, 21 के लिए आपको प्रैक्टिस के एमसीक्यूज भी बहुत सारे करवाऊंगा, 21 के लिए रिवीजन भी करवाऊंगा, बट उससे पहले एक बार मैं दिखाना चाहता हूं आपको वो चेहरा बेसिकली जिसके बारे में सुन सुन के आप लोग घबरा रहे हो। बहुत बच्चों का मैसेज आता है कि सर पता नहीं क्या होगा सर हमारे साथ में, तो पिछला तो सर पेपर मुश्किल आया, ये हुआ सर वो हुआ। मैं आपको ये बोलता हूं, आप एक बार तसल्ली से अपने घर पर बैठकर आराम से कूल माइंड से ये पेपर अटेम्प्ट करके देखना। मैं गारंटी देता हूं आपको, अगर आपने मुझसे बढ़िया तरीके से अगर जो मैंने आपको पढ़ाया अगर आपने वो पढ़ा हुआ है सिर्फ सुना भी है तो भी इजीली आप कम से कम 75% जो है वो स्कोर कर जाओगे। इतना इजी पेपर आया, और ऐसा नहीं कि पिछली बार वाला इजी आया या पिछली बार का मुश्किल है, ऐसा नहीं, पेपर हमेशा एक जैसा आएगा। फर्क क्या होता है वो आपके माइंडसेट का फर्क होता है। बहुत बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में, एग्जाम का एक तो फियर उनका कि पता नहीं एग्जाम के अंदर क्या ही होगा, और देखो वो फियर होना लाजमी भी है क्योंकि देखो 6 महीने जो आपने काम किया उस सबको आपको वो उन सबका निचोड़ 3 महीने के 3 घंटे में मिलने वाला है। वो 3 घंटे जो क्रूशियल है आपके लिए, पिछले 6 महीने में क्या किया या क्या नहीं किया उस सबका निचोड़ वहां पर मिलने वाला है। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट द थिंग इज कि वहां पर बैठ के परेशान होना, वहां पर बैठ के घबराना, वो किस लिए भाई? आप अगर पेपर को देखेंगे ना, पेपर इतना इजी आया था। कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको क्या बताऊं, 11th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे गए उसके अंदर, बिल्कुल सिंपल पूछे गए। खैर मैं ज्यादा इसके ऊपर जो है वो ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली पहले आपको दिखाता हूं। आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे 17 अक्टूबर को मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसके बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पेपर कोई भी बच्चा घर पे बैठ के, जिसने एक बार के लिए रिवीजन कर लिया, कोई भी बच्चा अगर घर पे बैठ के इसको अटेम्प्ट करे 80 में से कम नंबर नहीं आएगा उसका, कम से कम 80% बच्चा जो है वो स्कोर कर जाएगा 100 में से, इजीली स्कोर कर जाएगा। बस फर्क क्या होता है कि वो आपके माइंडसेट का, जितना रिलैक्स हो गया आप पेपर में क्वेश्चन को पढ़ते हैं, रिलैक्स होकर जो है उसका आंसर खोजते हैं तो इजीली क्वेश्चन जो है वो आपका सोल्व हो जाएगा। जब हड़बड़ाहट होती है, क्वेश्चन बाद में पढ़ा, पहले ऑप्शन देख लिया, क्वेश्चन का एक लाइन पढ़ा, फिर ऑप्शन की एक लाइन पढ़ लिया, फिर कहानी खराब होती है। इसीलिए जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करें, जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ना है। आप आंसर मत देखिए, आप सबसे पहले क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़िए। इतना टाइम होता है, 10 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, बशर्ते ये कि आपका पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए वहां पे। कंसंट्रेशन नहीं होगा तो 5 मिनट भी एक क्वेश्चन के लिए जो है वो कम होते हैं, और अगर कंसंट्रेशन है तो 10 से 20 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, हाँ जी सर, तो आइए आज की क्लास के अंदर हम लोग पहले शुरुआत करते हैं, रिवीजन करवाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले एक बार मैं दिखाना चाहता हूं कि एक्चुअल के अंदर एग्जाम जो है वो कैसा आया था। मैं आपको टोटल मिला के 6 पेपर जो है वो करवाऊंगा, 2 पेपर 2020 अक्टूबर में जो पेपर हुआ उसके, 2 पेपर कराऊंगा आपके दिसंबर 2019 में जो पेपर हुए थे मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट का, और 2 पेपर जो है वो आपके जून के अंदर जो पेपर हुए थे, जून 2019 के अंदर। उससे पहले तो अपना पुराना सिलेबस होता था, तो नए सिलेबस के जो तीनों जो पेपर हैं वो आपको मैं यहाँ पे जो है वो डिस्कस करूंगा। ओके जी सर, चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो 17 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर नंबर 2 कॉमर्स के 100 क्वेश्चन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में हम लोग पढ़ेंगे 2 वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में 1 से लेकर 50 क्वेश्चन, अगली वीडियो के अंदर जो है 51 से लेकर 100 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आया था अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन। ये एक इक्वेशन दिया और उस इक्वेशन के अंदर बताया कि बताओ इनमें से कौन से जो करेक्ट इक्वेशन है। ये इक्वेशन बेसिकली कैपिटल का, कि अगर मान लो ओपनिंग कैपिटल किसके बराबर होती है, ओपनिंग छोड़ो क्लोजिंग का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने यहां पे लिखा क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस में इस बार जो भी इंट्रोड्यूस किया वो, प्लस में प्रॉफिट से जो है वो कैपिटल क्या होती है बढ़ती है, लॉस से कैपिटल क्या होती है कम होती है, और अगर कोई ड्रॉइंग किया तो उससे भी कैपिटल क्या होती है कम होती है। तो क्लोजिंग कैपिटल का ये फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस में इंट्रोडक्शन प्लस में प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस में ड्रॉइंग। बस आपने क्लोजिंग कैपिटल के इस फॉर्मूले के बेस पर निकालनी है ओपनिंग कैपिटल। तो यहां ओपनिंग कैपिटल रहेगा, जो इधर जो आपके राइट हैंड साइड पे जो है प्लस के हैं वो उधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे, जो राइट हैंड साइड पे जो है माइनस के वो वहां पे जाके क्या हो जाएंगे प्लस का, और वो क्या बन जाएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल। ये आपका फॉर्मूला है, बताओ
इतना ये 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, तो ये आपका फॉर्मूला इसके बेस पर आपको बताना था कि क्या है। तो ये क्वेश्चन था, चार इक्वेशन थे, इनमें से कौन सा जो इक्वेशन नंबर 3 जो है वो एकदम करेक्ट थी। ये देखिए, अब यहां पे एक खास बात और है ध्यान रखना, पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर जब भी ड्रॉइंग की बात करेगा तो ये बात ध्यान रखना कि ड्रॉइंग दो तरह की होती है, एक होता है ड्रॉइंग ऑफ प्रॉफिट और एक होता है ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल। इफ नथिंग इज स्पेसिफाई, अगर कुछ भी ना बोले तो हमेशा अस्यूम करना कि ड्रॉइंग जो करिए वो कैपिटल का नहीं किया, ड्रॉइंग जो करिए वो किसी करिए प्रॉफिट की, और ड्रॉइंग का ट्रीटमेंट जो है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या फिर उसके करंट अकाउंट के अंदर होगा। ठीक है ना, ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। इफ नथिंग इज स्पेसिफाई तो ड्रॉइंग हमेशा क्या मानोगे, ड्रॉइंग ऑफ प्रॉफिट, ना कि ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल। ओके जी, ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन जो आया वो ये था, सपोज अगर एक कस्टमर है जिसने परचेस की ओनली 2 गुड्स, दो गुड्स को वो परचेस करता है इन मेकिंग ए यूटिलिटी, ओके, और उनको कंज्यूम करके यूटिलिटी जो है वो डिराइव करता है और वो मैक्सिमाइज करता है चॉइस को, एंड देन और उस टाइम पे क्या हुआ कि प्राइस जो था किसी एक कॉमोडिटी का वो क्या हो गया, कम हो गया। अगर कीमत जो है किसी एक कॉमोडिटी की कम होगी तो फिर बताइए क्या होगा। अगर कीमत कम होती है, इनकम तो आपकी कॉन्स्टेंट ही है, अगर प्राइस कम होता है तो आप लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि उसी इनकम के अंदर आप उसी कॉमोडिटी की ज्यादा यूनिट्स को बाय कर सकते हो, और जितनी ज्यादा यूनिट्स को बाय करोगे तो उतना आपका जो टोटल यूटिलिटी है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखो यहां पे ये बोलता है कि बताइए इनमें से क्या क्या होगा। तो पहला तो ये कंज्यूमर की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल होगी जी, परचेजिंग पावर, ना कि उसके रियल इनकम, मतलब उसकी मॉनिटरिंग इनकम नहीं, ओनली परचेसिंग पावर इंक्रीज होगी, बिल्कुल होगी। दूसरा, कंज्यूमर की जो टोटल यूटिलिटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बिल्कुल, क्योंकि अब कंज्यूमर अगर ज़्यादा कॉमोडिटीज़ को कंज्यूम करेगा तो जितनी ज़्यादा कॉमोडिटीज़ को आप कंज्यूम करते रहोगे उतना आपकी जो उन कॉमोडिटी के कंजम्पशन से मिलने वाली जो टोटल यूटिलिटी है वो भी क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बिल्कुल ये भी होगा। एंड कंज्यूमर की मनी इनकम बढ़ेगी, क्या बात कर रहे हो सर, इनकम थोड़ी बढ़ी उसकी, प्राइस बढ़े, प्राइस जो वो कम हो गए, इनकम थोड़ी उसकी बढ़ी है, तो मॉनिटरी इनकम जो है वो तो उसकी कॉन्स्टेंट रहेगी लेकिन उसकी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट और सेकंड जो है वो क्या है, सही है। मैंने इनका एक्सप्लेनेशन भी लिखा क्या कि पहला, प्राइस के कम होने से अब हम पहले से ज्यादा कॉमोडिटी बाय कर सकते हैं उसी कॉमोडिटी उसी इनकम में, सो परचेजिंग पावर हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा, ज्यादा कॉमोडिटी को कंज्यूम करेंगे तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो भी क्या होगी, अपने को ज्यादा मिलेगी, तो इससे हमारा टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आंसर जो बना वो क्या बना, फर्स्ट और सेकेंड जो है वो सही है। बताओ अगला थर्ड क्वेश्चन आया क्या, मैच द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे जो है वो चार थ्योरी दी और उनके बेस पर आपको बताना था। सबसे पहले एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, अपने नोट्स के अंदर जो है चैप्टर नंबर 2 है इंटरनेशनल बिजनेस का थ्योरीज का, उसमें से क्वेश्चन कितना सिंपल क्वेश्चन उठ गया है, बोलता है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज किसने दिया, सर एब्सोल्यूट एडवांटेज दिया था किसने, एडम स्मिथ ने। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी जो है वो किसने दिया, हेक्टर ओलिन ने। नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी थी एक तो, और जो नेशनल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज था, ठीक है, या जो जो आपकी माइकल पोर्टर की थ्योरी थी जिसको फाइव जिसके अंदर डायमंड पोर्टर मॉडल भी बोलते हैं हम लोग, तो वो क्या था, तो वो आपका दिया किसने, आपका माइकल पोर्टर ने। और फिर कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी जो है वो दी किसने, आपके डेविड रिकार्डो ने। तो ये इसका आंसर जो है वो बनता है क्या, फर्स्ट। ओके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इट डिक्लाइन इन प्राइस, अगर मान लीजिए प्राइस जो है वो क्या होता है, कम होता है, और टोटल रेवेन्यू जो है वो क्या हो जाए, इंक्रीज, प्राइस के कम होने पर अगर टोटल रेवेन्यू क्या हो जाए, बढ़ जाए, प्राइस के कम होने पर टोटल रेवेन्यू बढ़ जाए, तो बताइए डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो डिमांड आपकी कैसी होगी, देखिएगा। अंडर द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, तो बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में, अगर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को ध्यान करो, इलास्टिसिटी कंप्यूट करने का मेथड होता है, यस सर, वहां पे हम क्या बोलते हैं, प्राइस में टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर रिलेशन मेंटेन करते हैं, अगर प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए या प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए तो वहां पे आपकी ईडी किसके बराबर होती है, सर वहां पे ईडी था ग्रेटर देन 1, बोले तो ईडी जो है इलास्टिसिटी डिमांड जो है वो क्या होती है, इलास्टिक होती है, वही बताना है यहां पे। तो यहां पे अगर मान लीजिए टोटल एक्सपेंडिचर, इसको कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और टोटल रेवेन्यू फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो कंज्यूमर के द्वारा क्या गया टोटल एक्सपेंडिचर, फर्म का क्या होगा, टोटल रेवेन्यू, वही मैंने लिखा यहां पे क्या कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंज्यूमर इज इक्वल होता है किसका, टोटल रेवेन्यू ऑफ ए प्रोड्यूसर। तो यहां पे अगर प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर कम होता है या प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, तो वो वाला यहां पे जो है वो मेथड लगा, उसके बेस पर बताना है कि बताइए डिमांड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो भाई सर डिमांड इलास्टिक होगी, वही क्वेश्चन था कि बताइए क्या हो, अगर डिक्लाइन होता है प्राइस और टोटल रेवेन्यू बढ़ता है तो बताइए जो आपकी इलास्टिसिटी है, डिमांड जो है वो कैसी होगी, तो हम क्या बोलेंगे, हमारी डिमांड जो है वो कैसी होगी, इलास्टिक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है जी विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द टीडीएस सर्टिफिकेट, टीडीएस सर्टिफिकेट के बारे में आपको बताना है कि कौन सी दो जो बातें हैं वो क्या है करेक्ट है। सबसे पहले बोलता है टीडीएस ऑन द सैलरी पेमेंट, सैलरी पेमेंट का टीडीएस किस पे, फॉर्म 16, जो पर्सन जो है टीडीएस को क्या करता है, काटता है, तो उसको जो जिस पर्सन की सैलरी में से टीडीएस काटा गया उस पर्सन को जो है वो फॉर्म इशू करना पड़ेगा टीडीएस का सर्टिफिकेट, तो फॉर्म 16 होता है। नॉन सैलरी वालों के लिए फॉर्म 16A होता है, जो रेंट वालों के लिए कौन सा होता है, फॉर्म 16C,
और जो सेल ऑफ प्रॉपर्टी का होता है फॉर्म 16B, लेकिन यहाँ पे जो उल्टा दिया गया, तो बोलता है कौन सा ऑप्शन जो है वो क्या करेक्ट है, तो ए और बी दोनों करेक्ट है, लेकिन सी और डी जो है वो करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे लिखा कि टीडीएस जो है सेल ऑफ प्रॉपर्टी का होता है 16B और रेंट का जो है वो होता है 16C। चलो आगे, अगला आता है इफ ओन एन एवरेज टू कस्टमर अराइव एट शॉपिंग मॉल, अगर दो कस्टमर शॉपिंग मॉल पे पहुंचते हैं, ठीक है, पर मिनट, एक मिनट में दो कस्टमर जो है पहुंचते हैं, तो प्रोबेबिलिटी बताना आपको। ये प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मुला लग गया e^2 वाला, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम पढ़ते थे वहां पे e^-2 वाला जो है फॉर्मुला था वो यहां पे लग गया, उसके हिसाब से आपको बताना है। फॉर्मुला पुट कीजिए सेट का, क्वेश्चन निकल आएगा। आगे फिर था जी ये सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस, अगर कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो वहां पे आपको एक सीक्वेंस जो है वो बताना था। अब कैपिटल बस्टिंग में आप क्या करते हो, जब भी कोई भी आपके पास प्रपोजल आया, अगर आपको उसको आपको इवेल्युएट करना है कि उसको मैं एक्सेप्ट करूं या मैं उसको रिजेक्ट करूं, तो कैसे करते हो, सबसे पहले आप लिखते हो पीरियड, टाइम पीरियड आएगा, फिर आपके कैश फ्लोज आएंगे, हाँ जी सर, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करते हो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स है, हाँ जी, तो वो क्या आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, हाँ जी, उसके बेस पर आप एनपीवी निकालोगे, एनपीवी कैसे निकलेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो करने के बाद जो आएगा अब आपकी एनपीवी, या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, अगर पॉजिटिव आई एक्सेप्ट करते हो, नेगेटिव आई रिजेक्ट करते हो, ये कैपिटल बस्टिंग में करते हो, हाँ जी, बस इसको इस तरीके से बता दिया। तो सीक्वेंस बताओ क्या होता है, सबसे पहले आप लोग जो है कैश फ्लो का एस्टिमेशन करोगे, बिल्कुल करेंगे, फिर आप लोग जो है वो आइडेंटिफाई करोगे अपना डिस्काउंटेड, हाँ जी, फिर आप डिटरमाइन करोगे उसके बेस पर एनपीवी, हाँ जी, और लास्ट में आप देखोगे प्रोजेक्ट सिलेक्शन डिसीजन कि एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, सिंपल। आगे अगला आया जी आपका सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सीएसआर एलिजिबिलिटी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्शन 135 की बात कर रहा है, इतने बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाया यहाँ पे। सेक्शन 135 क्या बोलता है, सेक्शन 135 के अंदर बताया गया है कि जो भी कॉर्पोरेट है, कोई भी कंपनी, वेदर पब्लिक कंपनी हो, वेदर प्राइवेट कंपनी, वेदर गवर्नमेंट कंपनी, चाहे फॉरन कंपनी हो, चाहे डोमेस्टिक कंपनी हो, कोई भी कंपनी तीन में से किसी भी एक कंडीशन को पूरा करेगी तो उस कंपनी के ऊपर सेक्शन 135 एप्लीकेबल हो जाएगा, और उसको करना क्या पड़ेगा, अपने पिछले तीन सालों के एवरेज प्रॉफिट का कम से कम 2% खर्चा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आया कि सीक्वेंस बताओ दी फॉलोइंग सीएसआर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको सीक्वेंस बताना है, एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एंड स्पेंडिंग का एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट। तो कैसे कैसे होगा, सबसे पहले तीन कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो, दूसरा टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा हो, और तीसरा जो है वो क्या आपका, पहला तो क्या नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा, दूसरा टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा, या आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 500 करोड़ से ज्यादा, अगर तीन में से किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो आपके ऊपर सेक्शन 135 बोल तो सीएसआर की सीएसआर एप्लीकेबल हो जाएगा। देन फिर करना क्या पड़ेगा, देन 2% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट स्पेंड ऑन द सीएसआर ऑफ प्रीवियस 3 ईयर, बात खत्म। अगर ये खर्चा नहीं किया, करना था अगर खर्चा नहीं किया तो आपके ऊपर क्या होगा, पेनल एक्शन उठाया जाएगा, वही सब बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या बोलता है, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखते हो पॉजिटिव नेटवर्थ, फिर आप देखोगे टर्नओवर, फिर आप देखोगे क्या कि आपका नेट प्रॉफिट, तीनों को देख लिया सीएसआर एप्लीकेबल है तो फिर करना क्या पड़ेगा, 2% खर्चा करना पड़ेगा सीएसआर पे, नहीं किया तो फिर लास्ट में क्या होगा, पेनल एक्शन, ये सीक्वेंस बताना था, कुछ भी नहीं है भाई, इतना सिंपल क्वेश्चन आया, बस करना क्या होता है कि एग्जाम के अंदर बच्चे के माइंड में एक फियर जनरेट हो जाएगा और वो थोड़ा सा परेशान होता रहेगा कि यार पता नहीं ये क्वेश्चन क्या उठ के आ गया। अरे आप क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शन कभी नहीं पढ़ना चाहिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है। तो वो बोलता है सीक्वेंस में अरेंज करो किसको, फॉलोइंग सीएसआर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीएसआर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको आपको क्या करना है, सीक्वेंस के अंदर बताना है, एंड स्पेंडिंग एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट, बात खत्म हो गया। चलो खैर, इसका आंसर जो है वो थर्ड। ये पूरी फाइल विद एक्सप्लेनेशन मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करना, आराम से इसको देखना, फिर आपको और भी तसल्ली होगा बैठ के कि यार बताओ ये पेपर आया था, अगर जिन बच्चों का पिछली बार पेपर था उनका नहीं क्वालिफाई होगा तो आप देखना क्या सिली मिस्टेक्स आप करके आए थे, बट वो मिस्टेक अब की बार नहीं होनी चाहिए, इस बार जो आपका टारगेट है जेआरएफ का उसको हर हाल में अचीव करना है। ओके जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया एमएसएमई, ये क्वेश्चन मैं मानता थोड़ा सा अलग था क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ठीक है, कि कोविड की वजह से बताइए, जब कोविड के अंदर गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर प्लान जो है वो गवर्नमेंट लेके आई थी, तो उसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट ने 5 ट्रांच में मतलब 5 किस्तों के अंदर जो है वो पूरी इकोनॉमी के लिए जो है वो कुछ कॉर्पस अमाउंट निर्मला सीतारमन जी ने जो है वो क्या क्या इशू किया था, ठीक है, अब वो 20,000 करोड़ रुपए का जो कॉर्पस मनी जो हम लेके आए थे तो उसका सिस्टम क्या क्या कैसे कैसे है, तो पहले कॉर्पस में जो है वो एमएसएमई के बारे में चर्चा की गई थी। ओके, खैर मैं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो है वो कोविड का क्या इंपैक्ट पड़ा उसके 5 सेक्शंस हैं टोटल मिला के, मतलब 5 पार्ट्स हैं, तो मैं उनके 2 वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा करवा दूंगा, कल उसका पहला पार्ट मैं डालूंगा यूट्यूब पे, वहां से आप कीजिएगा, पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। आत्मनिर्भर प्लान जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं उसके 2 पार्ट मैं बनाकर डालूंगा, जरूर कीजिएगा। ओके, क्योंकि इस बार जो पेपर आएगा उसके लिए भी बहुत रेलिवेंट है और जो करंट का बजट है वो उन्हीं प्लान के ऊपर निर्भर है, तो वो भी हम देख लेंगे। ओके,
जी, तो इसके अंदर क्या क्या बोला गया, ये बोलता है कि एमएसएमई के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए क्या क्या, सबसे पहला प्रोविजन किया गया, उनको बोला गया कि आपको हम कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन प्रोवाइड करेंगे 3 लाख करोड़ रुपए का, ये बात बोली गई। प्रोविजन दिया गया 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज दिया गया बैंक्स को एंड एनबीएफसी को ऑन द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। जी, रीडिफाइन किया गया एमएसएमई, एमएसएमई का जो डेफिनेशन था एमएसएमई एक्ट के अंदर जो है उसको भी क्या किया, रीडिफाइन किया। ये पढ़ लेंगे हम कोविड वाले चैप्टर, उसमें टॉपिक में आप देखिएगा। जी, अगला जो है ये डी और ई पॉइंट नहीं था इसके अंदर, ठीक है, तो इसका आंसर जो बनता है वो क्या था, ए बी और सी। मतलब ये जब कोविड आया तो कोविड के अंदर जो निर्मला सीतारमण जी हमारी फिनांस मिनिस्टर जो है उन्होंने एमएसएमई छोटे जो उद्योग है उनके लिए ये वेलफेयर का पैकेज जो है वो क्या किया था, रिमबर्स उन्होंने इशू किया था। तो उसके ये कुछ हाईलाइट्स है। ओके जी, तो ये तो जो बच्चा पढ़ के गया तो उसका हो गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, बोलता है मल्टीनेशनल फर्म कौन सी होती है। अरे मल्टीनेशनल मतलब जो अलग अलग, मल्टी का मतलब क्या होता है, एकाधिक, एक से अधिक। तो जो कई सारे नेशंस के अंदर जो है वो क्या करती है, काम करती है, कई सारे नेशंस के अंदर क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, और कई सारे नेशन से जो है वो क्या करती है, कंट्रोल और ऑपरेट करती है अपने प्रोडक्शन की फैसिलिटी को इन द मल्टीपल कंट्री। तो ऐसी मल्टीनेशनल फर्म, ऐसी कंपनी को बोलते हैं हम लोग क्या, मल्टीनेशनल फर्म। तो ए मल्टीनेशनल फर्म इज द वन, वो एक ऐसी है विच कंट्रोल, जो क्या करती है, कंट्रोल करती है और ऑपरेट करती है प्रोडक्शन फैसिलिटी इन द मल्टीपल कंट्री। बात खत्म। आगे अगला क्वेश्चन आया, ए मार्केटियर, इतना सिंपल क्वेश्चन डाला यार ये तो, मतलब क्या बताऊं मैं। मार्केटियर मतलब कौन होता है, मार्केटिंग करने वाला बंदा, ठीक है, जिसके लिए मार्केटिंग करते हैं उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्ट। ओके, ए मार्केटियर नीड टू बी अवेयर, मार्केटियर को क्या होना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए किसके बारे में, ऑफ द क्राइटेरिया बाय विच द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर सेगमेंटेशन। देखो जब भी हम कोई भी स्ट्रेटजी बनाते हैं तो सबसे पहले हम एसटीपी करते हैं, सेगमेंटेशन टारगेटिंग और पोजिशनिंग करते हैं। हाँ जी, सेगमेंटेशन में करते हैं आप ये सब करते हो, पूरी मार्केट को, एंटायर मार्केट को अलग पार्ट में डिवाइड करते हो, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, सेगमेंटेशन करना। फिर आपका एक सेगमेंट बनता है, उस सेगमेंट के ऊपर आप क्या करते हो, टारगेटिंग करते हो, और टारगेटिंग करने करके और उसके ऊपर क्या करते हो, पी पोजीशनिंग लाते हो, मतलब अपने प्रोडक्ट की उस टारगेट मार्केट के अंदर जो है एक जगह क्रिएट करते हो, उसको एसटीपी बोलते हैं। हाँ जी, तो इसमें जो आपका सेगमेंट बनता है वो सेगमेंट कैसा होना चाहिए, तो सेगमेंट के बारे में बोलते हैं, सेगमेंट जो है साइज प्रॉपर साइज का होना चाहिए, छोटे छोटे सेगमेंट ना हो, दूसरा मेजरेबल हो जिसको आप इजीली नाप भी सकते हो, और तीसरा असेसिबल, सेगमेंट ऐसा हो जो मैं इजीली उसको असेस भी कर पाऊँ, मतलब मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, मतलब मेरी रीच से बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन सेगमेंट के केस के अंदर पेरिशेबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो ये इसका आंसर था कि सेगमेंट के केस में जो है ये तीनों चीज़ें, साइज, मेजरेबिलिटी और इजीली असेसिबल, ये तीनों चीज़ जो है रोल प्ले करती है, बट पेरिशेबिलिटी का कोई भी लेना देना नहीं है। तो आंसर जो बना इसका वो क्या, पेरिशेबिलिटी। आपको बता दो विच इज नॉट ए क्राइटेरिया, कि सेगमेंटेशन का कौन सा क्राइटेरिया नहीं है। आगे 12th क्वेश्चन, स्कीमिंग का मतलब क्या होता है, स्कीमिंग इन ई बैंकिंग, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, पहले भी आया था, पहले भी ये क्वेश्चन जो है वो आया था, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, दोबारा फिर रिपीट हुआ। स्कीमिंग का मतलब क्या होता है, स्कीमिंग बेसिकली जो है वो रिलेटेड है क्या, क्लोन से। जो लोग आजकल क्या करते हैं, डेबिट कार्ड एटीएम मशीन्स में जाकर के वो क्या करते हैं, जो लोग बेचारे एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हैं, तो ये स्कीमर से होते हैं, ये क्या करते हैं, ये वहां पे जाकर के उनका जो डेबिट कार्ड है उनका क्लोन बना लेते हैं, और क्लोन बना करके जो है वो फिर वो क्या करते हैं, वहां पे उनसे फ्रॉड करते हैं, उनका जो बैंक अकाउंट है वो खाली कर देते हैं। तो स्कीमिंग का मतलब क्या है, तो मैंने यहां पे लिखा स्कीमिंग जो है वो एक इलीगल प्रैक्टिस होती है जिसको यूज करते हैं बाय आइडेंटिटी थीव्स, जो चोर होते हैं वो यूज करते हैं क्या करने के लिए, कैप्चर करने के लिए क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को फ्रॉम ए कार्ड होल्डर। ओके, फ्रॉडस्टर जो होते हैं, जो फ्रॉड करने वाले लोग, ऑफन अक्सर क्या करते हैं, यूज करते हैं एक डिवाइस को जिसको बोलते हैं हम लोग स्कीमर, डेट कैन बी इंस्टॉल एट द गैस पंप, मतलब किसी भी गैस स्टेशन पे या फिर एटीएम पे वो उसको वो करते हैं, क्या बोलते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं, क्या करने के लिए, क्रेडिट कार्ड के डेटा को मतलब जो उसकी इन्फॉर्मेशन उसको क्या कलेक्ट करने के लिए, तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, स्कीमिंग। तो स्कीमिंग क्या, स्कीमिंग ई बैंकिंग में, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में, तो स्कीमिंग का मतलब जो है वो क्या होता है, आइडेंटिफाई करना फ्रॉडस्टर कॉपिंग वाइटल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड से, तो उसको बोलते हैं स्कीमिंग। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, द यूज ऑफ द इन्फॉर्मेशन आइडिया डेट आर ऑफ, मतलब आपके पास में कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो आप ही के पास में, आप ही ने उसको जनरेट करी है, या कोई फॉर्मूला है, या फिर कोई कॉपीराइट करवाना है आपको, मान लीजिए कोई लोगो था या फिर कोई सिंबल था, कुछ भी ऐसी चीज़ थी जो आप सोचते हो कि इसको मुझे क्या करवाना है, इसको मैं कॉपीराइट करवा लूँ, या मैं इसको पेटेंट करवा लूँ, या मैं इसका ट्रेडमार्क करवा लूँ, तो किसको करवा सकते हो, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को आप लोग जो है वो कॉपीराइट करवा सकते हो, या पेटेंट करवा सकते हो, ट्रेडमार्क करवा सकते हो, जो कैसी हो, जिनकी कमर्शियल वैल्यू हो। कमर्शियल वैल्यू का मतलब ये, जो कैपेबल हो क्या होने के लिए, सेल होने के लिए। जिनकी कमर्शियल वैल्यू नहीं है मान लीजिए, तो उसको आप करवा के कर भी क्या लोगे, क्योंकि आप उसको यूज करोगे,
दिक्कत कहां होती है कि कमर्शियल वैल्यू है, आपने कोई रिसर्च करी और उसका बेनिफिट कोई और उठा रहा है, बेनिफिट कोई और उठा रहा है। अगर वो कमर्शियल तो बेनिफिट आएगा, अगर वो चीज कमर्शियल नहीं है तो अगला बेनिफिट क्या उठाएगा। तो इनको आप कब प्रोटेक्ट करवा सकते हैं, जब उनका क्या हो, कमर्शियल वैल्यू हो। आगे फिर अगला क्वेश्चन ये आया डिडक्शंस का, 80GGC किसका होता है, पॉलिटिकल पार्टी का डोनेशन दिया किसने, कोई भी एनी पर्सन अदर देन कंपनी, ओके। 80GGG घर घर बोले तो रेंट का, 80GGA ये गांव घूम आया, आपको मैंने निमोनिक्स बनवाए थे, GGA गांव घूम आया, ये किसके किसके बारे में था, साइंटिफिक रिसर्च। और GGB ये भी है पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन किसके लिए, कंपनीज के लिए। तो इसका आंसर जो है वो बनता है क्या, A का 3, B का 1, C का 4, D का 2, सिंपल सा क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट स्वच्छ भारत अभियान एग्जाम्पल है किस चीज का, अरे स्वच्छ भारत एग्जाम मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं तो मार्केटिंग के अंदर हम लोग ना एक सोशल मार्केटिंग को लेके चलते हैं। सोशल मार्केटिंग के अंदर बेसिकली जो हम क्या करते हैं, हम एक आइडिया जो सोसाइटी के वेलबींग के लिए होता है तो उस आइडिया की मार्केटिंग करना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सोशल मार्केटिंग। तो यहां पे क्या बोलते हैं, सोशल मार्केटिंग इज अ यूज, सोशल मार्केटिंग में क्या करते हैं, यूज करते हैं कमर्शियल मार्केटिंग की प्रैक्टिसेस को। मतलब कमर्शियल मार्केटिंग जो करते हैं लोग, जो भी कंपनीज अपने प्रोडक्ट की या सर्विसेज की मार्केटिंग करती है, उन आइडियाज को हम यूज करते हैं अपने उस जो हमारा बेसिकली लोगों के वेलफेयर करने के लिए, जो हमारा एक आइडिया है उसको लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कमर्शियल मार्केटिंग को इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, सोशल मार्केटिंग। तो सोशल मार्केटिंग क्या, इज द यूज ऑफ द कमर्शियल मार्केटिंग प्रिंसिपल एंड टेक्निक टू इंप्रूव करने के लिए वेलफेयर ऑफ द पीपल, सोशल एंड द इकोनॉमिक एनवायरमेंट। तो आंसर क्या बना इसका, 2। आगे फिर ये इतना सिंपल है, इसमें थ्योरी वो दिया, प्रोबेबिलिटी का जो थ्योरम दिया, थ्योरम ऑफ एडिशन, थ्योरम मल्टीप्लिकेशन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, इसका फॉर्मूला जो आपको लर्न करना था, ये फॉर्मूला याद है तो अपना हो जाएगा इजीली, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी हैज लॉस्ट इट्स शीन, कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसने अपनी चमक जो है वो खो दी, क्या होने पर, जब से GST लॉ जो है वो क्या हुआ, इंप्लीमेंट हुआ। देखो आपको याद हो बजटरी पॉलिसी होती है, हाँ जी, जिसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, हाँ जी, राजकोषीय नीति होती है, उसके अंदर बेसिकली हम लोग बात करते हैं किसका, उसको टैक्सेशन पॉलिसी बोलते हैं, उसके अंदर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की बात की जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू को इकट्ठा करती है टैक्स लगा करके, ओके, हाँ जी। अब जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो GST है, अब GST का गवर्नेंस जो है जब वो GST एक्ट में हो रहा है तो अब फिस्कल पॉलिसी को कौन पूछेगा। तो बेसिकली कौन सी ऐसी पॉलिसी है जब जीएसटी लो आ गया तो उसने अपनी चमक खो दी, मतलब उसका थोड़ा सा वजूद जो है वो थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, तो वो कौन सी पॉलिसी थी, फिस्कल पॉलिसी, बात खत्म हो गया। क्योंकि मॉनेटरी तो बैंकिंग पॉलिसी रिलेटेड हो गया, और ट्रेड पॉलिसी जो है वो तो आपका व्यापार वाला, और एक्सिम पॉलिसी जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो मेन पॉलिसी जो है कौन सा, फिस्कल, क्योंकि उसके अंदर टैक्सेशन के प्रिंसिपल्स आते हैं, बात खत्म। आगे फिर है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री वर्टिकल्स रिसीव बूस्ट अमिड द COVID-19 पैनेडेमिक लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन लगा हुआ था और उसके अंदर भी कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसको क्या मिला, बूस्ट मिला। आप घर पे बैठे थे लॉकडाउन के दौरान जो है, जब 23 मार्च के बाद में लॉकडाउन लगा और 31 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन था, 31 मई तक जो है कंप्लीट लॉकडाउन था, तो उसके अंदर जो है कौन कौन सी इंडस्ट्री को बूस्टर मिला, तो सबसे पहला ऑनलाइन एजुकेशन मिला, गेमिंग को मिला, खाली बैठे बैठे क्या पबजी खेला अपने को, और दूसरा ई कॉमर्स को मिला, यस, ई पेमेंट्स को मिला, यस, रिटेलिंग फार्मास्यूटिकल को मिला, हाँ जी बिल्कुल, दवाइयों वाला मिला, हॉस्पिटैलिटी एंड हेल्थ केयर सर्विस को मिला, अरे सर हॉस्पिटल्स जो है वो सब कुछ जब लॉकडाउन हो गया था तो लोग अपने घर के अंदर बैठे थे, हाँ जी, और जो ज़्यादा बीमार थे सिर्फ वही हॉस्पिटल जाते, और लोग बल्कि हॉस्पिटल में जाने से घबरा भी रहे थे कि कभी हमको वहाँ पे जाके कोरोना तो नहीं हो गया, तो इनका जो है वो डाउन हो गया था। दूसरा मैन्युफैक्चर MSME इनको मिला नहीं सर, इनको तो बल्कि बूस्ट करना पड़ा, गवर्नमेंट ने इनको जो आत्मनिर्भर प्लान के अंदर जाके कुछ पैसा दिया। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीन इंडस्ट्री थी जो लॉकडाउन के दौरान भी जो है वो क्या हुई, फली फुली। तो आंसर जो आएगा वो क्या, A, B and C। आगे नेक्स्ट है, द डिफेंडर ऑफ द सस्टेनेबिलिटी अप्रोच टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट आउट डेट, अब ये लंबे समय तक चलने वाला, मतलब डिफेंडर की बात कर रहे हैं कि ये क्या है, तो अब ये बोलो डिफेंडर की अगर हम बात करते हैं, मतलब CSR को हम लेके आते हैं, हाँ जी, तो उसमें सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, लंबे समय तक चलने वाला, मतलब कोई इस तरीके से हम डेवलपमेंट करने वाले हैं कि उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आने वाली जनरेशन को भी जो है वो मिले। तो बोलते हैं इसमें कौन से पॉइंट ने इस बात को पॉइंट आउट किया, तो सबसे पहला क्या, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्जिस्ट विद इन ए डेट सपोर्ट ऑल लाइफ, बिल्कुल सही बात है, जो आपका सस्टेनेबिलिटी वो यही तो बात करता है कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्जिस्ट करती है बायोस्फीयर के अंदर जो है वो सब सपोर्ट करें क्या, सभी लाइफ को, मतलब सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल। सक्सेस ऑफ बिजनेस का मस्ट बी जज ओनली अगेंस्ट प्रॉफिटेबिलिटी, गलत है। पीपल हैव अ स्ट्रॉन्ग एथिकल ड्यूटी टू कॉज नो हार्म एंड ओनली द प्राइम फेसिया ड्यूटी टू प्रिवेंट हार्म, गलत है। बिजनेस की अकेली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इकोनॉमिक फंक्शन को करना, ये भी गलत है, अकेली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थोड़ी है, एंड कस्टमर सर्विस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें
चीजें होती है। तो बेसिकली इसका आंसर जो है वो क्या, ओनली ए, कि सस्टेनेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे बताया है कि बेनिफिट जो है वो सभी को मिलना चाहिए। तो आंसर जो इसका था वो क्या था, ए ओनली, बात खत्म। आगे ये अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन का स्पेशलाइजेशन इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब एक पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपॉइंट हो जाता है तो होने के बाद उसको सोशलाइज करवाया जाएगा अपने काम से, जिसको बोलते हैं बेसिकली ओरिएंटेशन का प्रोग्राम। ओके हाँ जी, वही बात कर रहे हैं, बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल मतलब संस्था की बात करेगा, सोशलाइजेशन संस्था से सोशलाइज करवाना इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ओरिएंटेशन का। The introduction of the new employee to the enterprise, which of the following is or are not designed for the socialization of a new manager? इनमें से किसको डिजाइन नहीं किया था? पहला, acquisition of work skill ability सिखाई जाती है, बिल्कुल। adoption of the appropriate role behavior, क्या उसको behavior adopt करना पड़ेगा? Yes sir। adjust करना पड़ेगा to the norms and the value of the work group, जी बिल्कुल adjust करना पड़ेगा। filling of a vacant position, इसका कोई role है क्या? नहीं। जब एक employee को जब आपने लगा दिया, उसके बाद A, B, C point आता है, D point का यहाँ पे कोई भी वजूद नहीं है। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इट इज द प्रोसेस बाय विच पीपल लर्न, ये एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू लोग जो है वो क्या करते हैं, लर्न सीखते हैं अबाउट एडजस्ट टू एंड चेंज द नॉलेज स्किल्स एटीट्यूड एक्सपेक्टेशन एंड बिहेवियर नीडेड फॉर ए न्यू एंड चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन रोल। तो इसका बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन सोशलाइजेशन। चलो जी आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नैरेटिव डिस्क्राइब द फिशर इफेक्ट। अरे भाई फिशर इफेक्ट की बात कर रहे हैं, हमने आईबी पढ़ा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाया मैंने आपको, उसके अंदर मैंने आपको 10th चैप्टर पढ़ाया है, जिसके अंदर बेसिकली हमने बात किया था कि इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम, और वहां पे हमने तीन थ्योरी पढ़ी थी। पहला आपका था पीपीपी थ्योरी, परचेसिंग पावर पैरिटी, गोसब केसल ने दिया। सेकंड था आपका फिशर इफेक्ट, और तीसरा था इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट। जो फिशर इफेक्ट पड़ा वहां पे हम ये बोलते थे कि एज पर फिशर इफेक्ट नॉर्मल इंटरेस्ट रेट किसके बराबर होता है, रियल के प्लस में इन्फ्लेशन के, दैट इज रियल इंटरेस्ट रेट, इसका मतलब क्या, किसके बराबर हुआ, नॉमिनल माइनस में इन्फ्लेशन। तो एज पर इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट जो है, और वो क्या बोलता है कि इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट बोलता है कि दो कंट्री के इंटरेस्ट रेट में जो डिफरेंस आएगा किसकी वजह से आएगा, इन्फ्लेशन की वजह से। तो ये बोलता है एज पर द इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट एक्सचेंज रेट डिफरेंस बिटवीन द टू कंट्री वो किसके बराबर होगा, इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इन द टू कंट्री, बात खत्म हो गया। तो यहां पे ये क्या बोलते हैं, फिशर इफेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। पहला, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू द रियल, नॉमिनल जो है वो किसके बराबर होगा, रियल प्लस में एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट, बिल्कुल सही बात है। रियल इंटरेस्ट रेट किसके बराबर होगा, नॉमिनल माइनस में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन, बिल्कुल सही बात है। एक्सचेंज रेट का डिफरेंस होगा टू करेंसी में इज एक्सप्लेन बाय द इंटरेस्ट और इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन डिफरेंशियल, बिल्कुल सही भी लिखा भी है। और एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल बिटवीन टू कंट्री इज एक्सप्लेन बाय कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। कंपैरेटिव कॉस्ट की बात जो है वो फिशर ने नहीं किया था, कंपैरेटिव कॉस्ट की बात जो है वो किया था किसने, डेविड रिकार्डो ने। तो आंसर जो आएगा इसका ए बी सी, ये तीनों उसको जो है सपोर्ट करते हैं, डी का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। आगे इसके बाद था विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से कौन से जो है वो क्या है, गलत है। सबसे पहला, पार्टनर्स आर नॉट बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। पार्टनर आर नॉट बाउंड, अरे ये क्या बात हुई, पार्टनर बाउंड होता है कि उसको काम करना पड़ेगा। दूसरा, वेर ए पार्टनर इज एंटाइल्ड टू इंटरेस्ट इन कैपिटल, अगर एक पार्टनर को हमने एंटाइल कर दिया कि आपको इंटरेस्ट इन कैपिटल मिलेगा सब्सक्राइब बाय हिम, सच इंटरेस्ट शैल बी पेबल वेदर नॉट देयर इज ए प्रॉफिट, तो वो इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। नहीं सर, प्रॉफिट है तभी इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, अगर प्रॉफिट नहीं तो ब्याज का पेमेंट भी नहीं, तो दूसरा भी गलत हो गया। एंड आउटगोइंग पार्टनर, जाने वाला पार्टनर के पास में राइट है कि वो क्लेम करेगा अपना शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल हिज अकाउंट इज फाइनली सेटल्ड, जब तक उसका फाइनल सेटलमेंट नहीं होगा। नहीं, कब तक करेगा, कब तक वो जो है राइट टू क्लेम करेगा, जब तक उसको पैसा उसका नहीं मिल जाएगा। तो थर्ड सी पॉइंट जो है एकदम ओके है। और डी पॉइंट बोलता है ए पार्टनर मे बी एक्सपेल्ड, उसको हटाया जा सकता है फ्रॉम द फर्म, ओनली तभी हटाया जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, जब सभी पार्टनर की क्या हो, कंसेंट हो। इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर सभी पार्टनर की कंसेंट नहीं होगी तो वो कभी भी नहीं हटेगा। क्या बात कर रहे हो, कुछ केसेस हमने पढ़े थे, ए पर्सन और पार्टनर मे बी एक्सपेल्ड, उसको हटा सकते हैं फर्म से अगर वो क्या हो गया, दिवालिया हो गया या फिर वो इनसेन हो गया, लुनेटिक हो गया, तो उस केस में आप उसको हटा सकते हो। तो इन केसेस में भी चाहे पार्टनर की कंसेंट ना हो तब भी उसको जो है कंपलसरी हो जाएगा कि अपने को हटाना पड़ेगा। तो आंसर जो है वो क्या आएगा, ए भी गलत है, बी भी गलत है और डी भी गलत है, लेकिन सी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ए लिमिटेड के पास शेयर कैपिटल थी 5000 शेयर की, 100 रुपए का एक शेयर था, मार्केट वैल्यू कितना था, 150, मतलब उस कंपनी का मार्केट में शेयर फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपए, मार्केट में वैल्यू कितना चल रहा है उसका, 150 रुपए। कंपनी वोट चाहती है टू रेस करना एडिशनल फंड कितना, 120,000, और ऑफर किया एग्जिस्टिंग वालों को उसने कंपनी ने बोल दिया कि आप अप्लाई करो नए शेयर को 120 में, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट दे दिया कि आप वो शेयर जो मार्केट में 150 का चल रहा है आप उसको बाय कर लो कितने में, 120 में, मतलब राइट प्राइस, राइट इशू निकाला। और राइट इशू क्या निकाल दिया, एवरी 5 शेयर हेल्ड, हर
पांच शेयर के बदले में एक शेयर देंगे। तो अब ये बताओ आपको बेनिफिट कितना, वही शेयर मार्केट से लोगे तो कितने का मिलेगा 150 का, वही आपको कितने का मिला क्योंकि आपके पास राइट है तो आपको मिले कितने का 120 का, तो टोटल मिला के 30 रुपए का मुनाफा हो गया। बट वो 30 रुपए का मुनाफा कितने शेयर पे है, 30 रुपए का मुनाफा पांच शेयर पर है क्योंकि एक पांच के बदले में एक शेयर ही मिलेगा ना आपको। जी सर, तो बेसिकली वैल्यू ऑफ राइट जो है वो किसके बराबर होगा, तो वैल्यू ऑफ राइट जो है वो किसके बराबर है 6 रुपए के। तो मैंने लिखा यहां पे मार्केट वैल्यू जो है शेयर की वो कितना 150, राइट वैल्यू कितना 120, बेनिफिट कितना आ गया 30 रुपए, 4 पांच शेयर के बदले में, तो वैल्यू ऑफ राइट जो है वो कितना आ गया 6 रुपए। आगे इसके बाद है ग्रुपिंग ऑफ कंट्री committed to remove all the barrier to the free flow of the goods and service between themselves and also pursue independent external trade. लेकिन मतलब बाहर वालों के साथ में उनका common external trade policy नहीं है, तो वो कौन सी वो होता है regional economic condition, पहले वाला जिसको बोलते हैं FTA। तो FTA के अंदर हम क्या करते हैं, ये पांच होते हैं, पहले FTA, फिर custom union, फिर common market, फिर economic union, और लास्ट में कौन सा political। तो FTA के अंदर होता है कि जब कंट्री आपस में ट्रेड करेगी तो आपस में लगने वाले जितने भी वो बैरियर है उन सबको क्या कर देगी रिमूव, तो यही तो बोलता है रिमूव कर देंगे। लेकिन बाहर वालों के लिए आपकी जो पॉलिसी रहेगी एक्सटर्नल पॉलिसी वो क्या रहेगी, सबकी डिफरेंट डिफरेंट होगी, वही बात कर रहा है ये। इसका आंसर क्या FTA। इसके बाद फिर अगला है कॉन्ट्रैक्ट हुज ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन आर अनलॉफुल, वो सब कॉन्ट्रैक्ट जिनका कंसीडरेशन जो है वो कैसा होता है अनलॉफुल होते हैं, वो क्या होते हैं वॉइड होते हैं, जी बिल्कुल होते हैं। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, वो भी क्या होते हैं वॉइड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब ये कौन से होते हैं, देखो जिसका कंसीडरेशन अनलॉफुल है, अगर ये बोल दिया कि आप मैं आपको 100 रुपए दूंगा अगर आप अगले बंदे का कत्ल कर दोगे तो क्या हो गया मतलब अनलॉफुल हो गया, इलीगल हो गया जी। और दूसरा ये बोलता है कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ये क्या होते हैं वॉइड। अब इन रिस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग का मतलब जो वो क्या होता है, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी इज रिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली फ्रॉम एनफोर्सिंग देयर राइट, अगर कभी भी एक पार्टी दूसरी पार्टी को जो है वो लीगली क्या करती है उसको रिस्ट्रिक्ट करती है कि वो अपने राइट्स को जो है एनफोर्स नहीं कर पाएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या कि रिस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। तो इस केस के अंदर जो है ये भी बात क्या है सही है, अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो भी क्या होता है वॉइड। तो यहां पर दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है आपकी करेक्ट है। आगे नेक्स्ट सब ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ द रिसोर्स अंडर द मोनोपोली टू कॉज सोशल वेलफेयर लॉस इन ऑफन रेफर टू, इसको बोलते हैं डेडवेट लॉस। अब ये होता क्या है, देखो बेसिकली मोनोपोली के अंदर जो है वो आपका कोई कंप्यूटर तो होगा नहीं जी, आप अकेले काम करने वाले हो, हाँ जी। तो जब आप अकेले काम करते हो तो नेचुरल बात है कि आप कई बार उस एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाते, आपको ये था कोई भी काम कुछ भी बना लूँ मैं तो लोग तो हमसे परचेस करेंगे करेंगे क्योंकि हमारा कोई भी क्लोज कंप्यूटर नहीं है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, जब आपकी एफिशिएंसी डाउन होती है तो उसका अल्टीमेट नुकसान किसको भुगतना पड़ता है सोसाइटी को, तो इसको बोलते हैं क्या डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस का मतलब क्या हो गया, इट इज़ ए कॉस्ट टू द सोसाइटी क्रिएटेड बाय द मार्केट इन एफिशिएंसी व्हिच अकर व्हेन सप्लाई एंड डिमांड आर आउट ऑफ इक्विलिब्रियम, डिमांड और सप्लाई आउट ऑफ इक्विलिब्रियम होती है तो वहां पे जो मार्केट इनएफिशिएंसी राइज होती है उसको बोलते हैं आप लोग क्या डेडवेट लॉस। एनी डेफिशिएंसी कॉज्ड बाय एन इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, कोई भी अगर डेफिशिएंसी राइज होती है क्या होने पर इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स होने पर, तो उसकी वजह से जो भी इनएफिशिएंसी हुई उसकी वजह से डेफिशिएंसी हुआ और उसका खामियाजा किसने भुगता, पब्लिक ने भुगता सोसाइटी ने भुगता, तो उस नुकसान को बोलते हैं हम लोग क्या डेड वेट लॉस। तो यह ध्यान रखना डेड वेट लॉस है वो किस केस में होता है ओनली इन द केस ऑफ मोनोपोली। आगे और उठाएगा कौन सोसाइटी, फिर सिंपल सा क्वेश्चन है टेली मार्केटिंग किसका पार्ट है, सर टेली मार्केटिंग डायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट है। आगे फिर क्वेश्चन यह है बिलिटी रिटर्न को कब तक कर सकते हो, देखो आपको ड्यू डेट तक आपको रिटर्न अपनी क्या करनी है फाइल करनी है, मतलब जैसे अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल हो तो आपको जो है रिटर्न कब तक फाइल करना है, आपको रिटर्न फाइल करनी होती है 31 जुलाई तक, अगर 31 जुलाई तक आपने नहीं किया तो फिर कब तक करना पड़ेगा, तो उस असेसमेंट ईयर की लास्ट डेट तक आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ओके तो ये क्या बोलता है, या फिर जिस अगर उससे पहले असेसमेंट हो गया तो वो जो दोनों में से डेट पहले आ जाए उस डेट तक आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो बोलता है बिलिटी रिटर्न जो है अंडर सेक्शन 139(4) कैन बी फाइल एट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, या तो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के एंड होने से और बिफोर द असेसमेंट इज कंप्लीट, या फिर असेसमेंट के कंप्लीट होने विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में क्या होगा पहले होगा, तो आपको अपनी बिलिटी रिटर्न जो है वो भी क्या करना पड़ेगा फाइल करना पड़ेगा। आगे फिर ये उपासला मॉडल, ये उपासला मॉडल जो है ये आया था आपका बेसिकली उपासला मॉडल, ये इंटरनेशनलाइजेशन के लिए होता है, ये बेसिकली जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है तो वो कैसे अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाती है, तो उसके लिए मॉडल आया था। ठीक है, ये मॉडल है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए या एग्रो बिजनेस के लिए जो प्रोडक्शन का काम करती है या फिर ट्रेडिंग एंटरप्राइज के लिए, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री के लिए मॉडल नहीं है। तो ये क्या बोलता है उपासला मॉडल जो है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस का ऑपरेशन का इज नॉट वैलिड, वो किसके लिए वैलिड नहीं है, वो बेसिकली सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से होती है उनके लिए वैलिड नहीं है। और ये होता है
दिस मॉडल, ये एक इंटरनेशनलाइजेशन का प्रोसेस है, इट इज अ मॉडल फॉर द फर्म सिलेक्शन ऑफ द मार्केट, जिसके थ्रू फर्म जो है वो क्या करती है, पहले मार्केट का सिलेक्शन करती है एंड मोड ऑफ एंट्री वाइल गोइंग इंटरनेशनल। द थ्योरी वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय द वेंगर इन 2009 के अंदर वाइल वॉचिंग द स्वीडिश फर्म। इन देयर मॉडल दे मेड एन एक्सपेरिमेंट डेट फर्म्स इंटरनेशनलाइज बाय फॉलोइंग ए सीरीज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट चेन। तो चार चेन होती है, मतलब चार स्टेप की एक चेन होती है, उसको फॉलो करते हुए फर्म जो है वो क्या होती है, अपने ऑपरेशंस को इंटरनेशनलाइजेशन पे लेके जाती है। तो उसके लिए मॉडल होता है, ये कौन सा, उपसला मॉडल। और ये उपसला मॉडल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है और एग्रो वालों के एग्रीकल्चर के लिए भी होता है, ट्रेडिंग के लिए भी है, मतलब गुड्स के लिए, बेसिकली सर्विस इंडस्ट्री के लिए वो नहीं है। चलो जी आगे, अगला आया, बोलता है वर्कर पार्टिसिपेशन जो है मैनेजमेंट के अंदर वो क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट। जब आप वर्कर को आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके तो डिसीजन मेकिंग के लिए, तो वो होता है वर्कर पार्टिसिपेशन जो है मैनेजमेंट में, इट इज द इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्कर का ओनली इन सच एरिया, उस एरिया या एक्टिविटी में जहां पे दे कैन मेक द पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल सही बात है, उनको वही काम पे हम लगाएंगे जहां से वो कुछ फायदा करेंगे, जो काम उनके बस के नहीं है तो वहां पे हम उनको एम्प्लॉय नहीं करेंगे। सही बात है, मेरा असर्शन ओके। रीजनिंग क्या बोलती है, वर्कर में नॉट बी कंपिटेंट एनफ, वर्कर जो है वो कंपिटेंट नहीं है टू अंडरस्टैंड एंड एप्रिशिएट द मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ द एंटरप्राइज। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों की दोनों बातें सही है। हम वहां पे क्यों नहीं लगाते हैं उसको, असर्शन बोलते हैं कि उसको वहां नहीं लगाएंगे जहां पे वो एफिशिएंट नहीं होगा। उसका रीजन ये बोलता है कि वर्कर जो है वो हर काम करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, इसीलिए उसको वहां पे नहीं लगाएंगे। दोनों बातें क्या है, एकदम करेक्ट है, और जो रीजनिंग है वो प्रॉपरली असर्शन को जो है वो क्या कर रही है, एक्सप्लेन भी कर रही है। इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको असर्शन पढ़ना चाहिए। असर्शन क्या है, तो असर्शन यहां पर क्या बोल रही है कि वर्कर का पार्टिसिपेशन जो है मैनेजमेंट के अंदर वो क्या होता है, इट इज द इन्वॉल्वमेंट है, वर्कर का इन्वॉल्वमेंट ओनली इन सच एरिया, सिर्फ उन्हीं एरिया में वर्कर का इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज वेयर दे कैन मेक सम पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन, जहां पर वो क्या करते हैं कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वहीं पे उनको लेके आना, वो वर्कर पार्टिसिपेशन है। बिल्कुल है। अब बोलता है इसका रीजनिंग, वर्कर में नॉट बी कंपिटेंट, हम उस असर्शन में बोला हम वर्कर को वहीं पे लगाएंगे जहां से वो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट देंगे, मतलब ऐसी जगह पे नहीं लगाएंगे जहां से वो ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट नहीं देंगे। और वो कौन सी जगह होंगे जहां पे हम उनको ना लगाएं, वो होंगी जहां पे वो एफिशिएंट नहीं है जी। फिर दूसरे रीजनिंग के अंदर बोलते हैं कि वर्कर में नॉट बी कंपिटेंट, वर्कर हर काम करने के लिए कंपिटेंट नहीं होता, इसीलिए उसको उसी जगह पे लगाया जाता है जहां पे वो क्या होगा, कंपिटेंट होगा। दोनों बातें एकदम सही है, और जो रीजनिंग है वो करेक्टली असर्शन को जो है एक्सप्लेन भी कर रही है। तो इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, टू बनेगा, बोलते बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके जी सर, आगे नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू द वाउचिंग ऑफ द सेल्स। अब वाउचिंग करनी है अगर सेल्स की, तो उसके लिए कौन सी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या अपने लिए जरूरी है, तो डिस्पैच ऑफ गुड्स हम देखते हैं, जब सेल देखना है बिल्कुल देखते हैं, सेल बुक चेक करते हो, हाँ जी, डायरेक्ट नोट नहीं, क्रेडिट नोट देते हो, अरे नहीं सर, वो उसका उसका क्या लेना देना है, नहीं। तो सेल्स बुक के अंदर अगर आपने जो है वो वाउचिंग करनी है, मतलब सेल्स की ट्रांजैक्शन को अगर आप ऑडिट कर रहे हो और आपको वाउच करना है, तो बेसिकली इन दोनों को, डिस्पैच ऑफ गुड्स एंड सेल बुक को आप क्या करते हो, चेक करते हो। आगे स्पैनो मैनेजमेंट क्या होता है, सर स्पैनो मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि कितने इफेक्टिव तरीके से मैनेजर जो है वो कितने एम्प्लॉइज को इफेक्टिवली मैनेज कर पाता है, उसको बोलते हैं स्पैनो मैनेजमेंट। तो यहाँ पे क्या बोलता है, स्पैनो मैनेजमेंट का मतलब क्या, नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट हु कैन बी मैनेज एफिशिएंटली बाय सुपीरियर। तो स्पैनो मैनेजमेंट जो है वो कैसे डिटरमाइन होता है, तो बता रखा है यहाँ पे क्या, स्पैनो मैनेजमेंट को डिटरमाइन करेंगे ये सब फैक्टर, आप कैसे कितने लोगों को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो वो बताएगा स्पैनो मैनेजमेंट। अब कौन कौन से फैक्टर जो उसको अफेक्ट करेंगे, सबसे पहले मैनेजर की ट्रेनिंग अफेक्ट करती है, मैनेजर का पर्सनल क्वालिटी, हाँ जी ये भी अफेक्ट करती है, सबॉर्डिनेट की ट्रेनिंग अफेक्ट करती है, क्योंकि जितना सबॉर्डिनेट इफेक्टिवली अगर ट्रेंड होंगे तो फिर क्या होगा, उतना ही ज्यादा लोगों को आप मैनेज कर सकते हो। तो स्पैनो मैनेजमेंट इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है, बट ट्रेड यूनियन का कोई लेना देना है क्या, नहीं सर, स्पैनो मैनेजमेंट में ट्रेड यूनियन को लेना देना नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। आगे नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिटेल एनालिटिक्स एप्लीकेशन इन्वॉल्व इन द यूज ऑफ द सर्च टेक्निक टू गेन द इनसाइट इन टू द कस्टमर बाइंग पैटर्न। अगर आपको कस्टमर का बाइंग पैटर्न देखना है, कस्टमर जब किसी सामान को परचेज करता है तो क्या क्या बातों को कंसिडर करता है, अगर ये चीजें आपको चेक करनी है, अगर उसका पैटर्न चेक करना है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको पहले कस्टमर के रिलेटेड जो है वो डेटा आपको क्या करना पड़ेगा, खंगालना पड़ेगा। मतलब अगर आपको कस्टमर के बाइंग प्रोसेस के बारे में इनसाइट चाहिए, बोलते नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या जरूरी है, क्या फैक्टर का एनालिसिस करना जरूरी है, सर पहले डेटा तो हो, दूसरा रिग्रेशन का एनालिसिस जरूरी है, नहीं सर, डेटा
माइनिंग जरूरी है? यस, डेटा माइनिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ना तो डेटा का स्क्रैपिंग ना ही डेटा का क्लोनिंग। अगर आपको ओनली नॉलेज चाहिए अभी, तो नॉलेज किसके बेस पर मिलेगी आपको? डेटा माइनिंग के बेस पर। जब रिजल्ट लेना हो, जब बेसिकली आपको डिसाइड करना हो, तो वहां पे फैक्टर एनालिसिस और रिग्रेशन एनालिसिस काम करता है। बट अगर आपको सिर्फ कंज्यूमर के बाइंग पैटर्न की नॉलेज चाहिए, इनसाइट चाहिए, ओनली नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका डेटा माइनिंग। और डेटा माइनिंग होता क्या, ये एक प्रोसेस है यूज बाय द कंपनी टू टर्न द, जब कंपनी क्या करती है, टर्न करती है अपने रॉ डेटा को किसमें, यूजफुल इंफॉर्मेशन में। मतलब बहुत सारा डेटा कंपनी के पास में अवेलेबल था कस्टमर से रिलेटेड, उस डेटा को जब कंपनी यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है, उसको बोलते हैं डेटा माइनिंग। और क्यों करते हैं, ताकि कस्टमर के बारे में मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन हम गेट कर सके। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सी। आगे मैच द फॉलोइंग, अब ये बता रखा है इंटरनेशनल पीएलसी और यहाँ बता रहा है इंटरनेशनल कंपटीशन कैसे कैसा होगा। तो इंट्रोडक्शन के टाइम पे, अभी इसका सिंपल था, इंट्रोडक्शन के टाइम पे क्या होगा, बहुत ही कम कंप्यूटर होंगे होम मार्केट में जी। ग्रोथ के टाइम पे जो है क्या होगा, कंप्यूटर जो है अदर हाई इनकम कंट्री में वो भी अपना प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे जी। मैच्योरिटी के ऊपर जो वो क्या होगा, कंपनीज फ्रॉम अदर हाई इनकम कंट्री इंक्रीज करेंगे एक्सपोर्ट टू द इनोवेटिंग कंट्री। और डिक्लाइन में क्या होगा, हम औरों से सामान बनवाना शुरू कर देंगे, मतलब जो लो इनकम कंट्रीज है वहां पे सामान बनना क्या हो जाएगा स्टार्ट। तो आंसर क्या होगा, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो हमने जब आपको आईपीएलसी वर्नन रेमंड का मैंने थ्योरी पढ़ाया था इंटरनेशनल बिजनेस का, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था आपका। चलो आगे नेक्स्ट सीक्वेंस द स्टेप ऑफ सीआरएम। अगर सीआरएम की बात, कस्टमाइजेशन मैनेजमेंट अगर आपको डेवलप करना है, तो उसका स्टेप बता रहा, सबसे पहले आप क्या करते हो, सर सबसे पहले कस्टमर से रिलेटेड डेटा को इकट्ठा करते हो जी, फिर उसको डेटा को एनालाइज करते हो जी, फिर आप जो है बाद में क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे आपके टारगेट कस्टमर को, हाँ जी। करने के बाद आप क्या करोगे, सीआरएम प्रोग्रामर को डेवलप करोगे, और लास्ट में क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे उस प्रोग्राम को, बात खत्म हो गया। तो आंसर क्या है, बी सी डी ए ई। आगे फेयर इन ए मॉडरेट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन द मीन मीडियन मोड। तो मीन मीडियन मोड के अंदर रिलेशनशिप जो है वो बताओ क्या होता है। तो देखो बेसिकली फॉर्मूला ये होता है, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियम। तो इसके बेस पर निकला क्या, मोड किसके बराबर होगा, 3 मीडियन माइनस में 2 मोड। तो इसका आंसर जो है वो क्या आ गया, 2 मोड किसके बराबर है, 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। आगे नेक्स्ट प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, जब आपका कोई स्टेप जो है, मतलब जब प्रोडक्शन यूनिट जो है वो कई सारे स्टेप से होकर गुजरती है, तो उसको बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। हर प्रोसेस, हर स्टेप पे आप लोग जो है उसके अलग से क्या करते हो, कॉस्टिंग निकालते हो। तो बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो अप्रोप्रिएट है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म, किस फर्म के लिए अप्रोप्रिएट है। तो बोलते हैं ऑयल रिफाइनिंग फर्म, जो देखो लॉजिस्टिकल तो है नहीं, उसमें क्या प्रोसेस है, कोई प्रोसेस नहीं। दूसरा फार्मास्यूटिकल के लिए भी नहीं है, टूरिज्म के लिए भी नहीं है। तो जो ऑयल रिफाइनिंग फर्म होते हैं उनके लिए जरूरी है, मतलब जो जब हम क्रूड को, जो हमारा कच्चा तेल होता है, जब उसको हम रिफाइन करते हैं, तो उसके लिए बेसिकली प्रोसेस कॉस्टिंग की जो है वो क्या होती है, रिक्वायरमेंट है। जनरल क्वेश्चन था बिल्कुल ही, बच्चे ये भी गलत कर गए कुछ। अब क्रूड ऑयल जो कैसे रिफाइन होता है पेट्रोलियम के अंदर, तो उसको सबसे पहले क्रूड ऑयल को हम सेपरेट करेंगे, ठीक है, जो अलग मिनरल और नॉन मिनरल्स को अलग अलग करते हैं, फिर उसका कन्वर्सन करेंगे, और लास्ट में क्या करते हैं, उसको ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब अलग अलग जो उससे गैस बनाने का काम, वैक्स बनाने का काम, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, एलपीजी हो गया, तो उनको बनाने का काम करते हैं। तो ये तीन, ये अलग अलग स्टेप होते हैं। तो इन चारों में से कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग का काम चलता है, तो आपका हो गया डी, बोलते ऑयल रिफाइनिंग फर्म्स। आगे फिर इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, अगर आपको बैंक्स के रिस्पेक्ट में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो निकालनी हो, आर रिक्वायर्ड टू टेक इन टू, तो किन किन बातों को आप कंसीडर करते हो। तीन तरह का रिस्क होता है, तीनों रिस्क को हम कंसीडर करते हैं जब हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मेंटेन करते हैं। और ये तीनों रिस्क कौन कौन से, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और एक कौन सा, ऑपरेशनल रिस्क। तो इसके लिए तो बेसल नॉर्म्स ही बने हुए हैं जी, अब मैंने बता दिया। मार्केट रिस्क क्या होता है, जैसे इंटरेस्ट रेट का रिस्क हो गया, या आपका बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रेट का रिस्क हो गया, ये इसको मार्केट बोलते हैं। ऑपरेशनल रिस्क का मतलब क्या होता है, जब इंटरनल प्रोसीजर प्रॉपरली नहीं होते वो। और क्रेडिट रिस्क का मतलब जो है वो क्या हो गया, अगर बोरोवर ने आपसे पैसा लिया और आपको पैसा, आपका लोन या फिर आपका इंटरेस्ट अमाउंट आपको रीपे ना कर पाए, तो उसको बोलते हैं या क्रेडिट रिस्क। तो तीनों तरह के रिस्क हम लोग कंसिडर करते हैं। तो आंसर क्या आएगा, ए बी एंड सी। आगे सपोज द फर्म के 20% डेट है, 80% इक्विटी है, मतलब फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर में 20% डेट है, 80% इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है अज्यूम टू बी 10% 15%, व्हाट इज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आपको बताना ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगा। तो क्यों निकालने का फॉर्मुला होता है, क्या केडी इंटू डब्ल्यू डी प्लस में के इंटू वेट डी। तो इसका हमने लगा दिया के डी कितने, 10 इंटू में वेट डी 0.2 प्लस के ई 15 इंटू वेट ई जो है 0.8। तो इसके बेस पर निकाल लिया 14% जो है अब आपका आ जाएगा क्या, ओवरऑल के ओ। आगे फिर मैच करना, आपको ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, मतलब आपके एक्ट दे रखे हैं और इनके बेस पर बताना कि कौन सा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आरटीआई जो है वो क्या था आपका 2005, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 और कॉम्पिटिशन एक्ट जो है वो क्या 2002। सिंपल
आगे फिर बोलता है सीक्वेंस द फॉलोइंग एक्टिविटी इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। जब आप अकाउंटिंग करते हो तो अकाउंटिंग साइकिल होती है, ये अकाउंटिंग साइकिल होती है। सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कहां पे रिकॉर्ड करोगे? जर्नल में। बिजनेस का साइज छोटा है तो, और बिजनेस का साइज बड़ा है तो रिकॉर्डिंग होगा कहां? सब्सिडियरी में। फिर उसके बाद में क्लासीफाई करोगे लेजर्स के अंदर, फिर लेजर्स को बैलेंसिंग करके ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर उससे P&L अकाउंट बनेगा और ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फिर वहां से जो प्रॉफिट आएगा उससे बैलेंस शीट बनेगी, और लास्ट में जो है वो क्या होगा उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं एनालाइज, और ये प्रोसेस चलते रहता है। तो इसके अंदर ये सीक्वेंस दे रखे हैं। सबसे पहले क्या करोगे? रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, बी पॉइंट, फिर ए जर्नलाइज करोगे, फिर डी पॉइंट क्या करोगे आपका प्रिपेयर करो टीबी, फिर सी पॉइंट एनुअल फाइनेंशियल जो है वो स्टेटमेंट बनाओगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे उसको मीनिंगफुल रिजल्ट निकालेंगे उससे, मतलब हम उसको एनालाइज करेंगे। खत्म। आगे अनपेड सेलर कौन सा होता है? सर इसको हमने पढ़ा था, अनपेड सेलर को सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। तो अनपेड सेलर वो है जिसने बेचारे ने सामान तो बेच दिया लेकिन उसको अभी तक अपने सेल का पैसा रिसीव नहीं हुआ, ऐसे पर्सन को बोलते हैं आप लोग अनपेड सेलर। तो बोलते हैं द पर्सन हु हैज सोल्ड द गुड्स, जिसने गुड्स को सेल कर दी एंड हैज नॉट येट, और अभी तक उसने जो है वो प्राइस रिसीव नहीं किया, उसको बोलते हैं आप लोग क्या अनपेड सेलर। तो 42 का क्या थर्ड। आगे फिर 44 चैनल कॉन्फ्लिक्ट कितने तरह का होता है? सर दो ही तरह का होता है मार्केटिंग के अंदर, हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, एक होता है वर्टिकल और एक होता है कौन सा हॉरिजॉन्टल, ये दो तरह का होता है। देखो हॉरिजॉन्टल क्या होता है, जब सेम लेवल के लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए हॉरिजॉन्टल, जैसे हिसार का एक डिस्ट्रीब्यूटर था और हासी का एक डिस्ट्रीब्यूटर, दोनों के बीच में, मतलब हिसार में बाइक बेचने वाला और हासी में बाइक बेचने वाला, सेम रॉयल एनफील्ड हिसार वाला बेच रहा है और हासी में बेच रहा है, जब दोनों के बीच में झगड़ा हो गया उसको बोलते हैं आप लोग क्या सेम लेवल वालों का हॉरिजॉन्टल, और जब अलग अलग लेवल का मतलब होलसेलर का रिटेलर से या सेमी होलसेलर से अगर झगड़ा हो जाए तो इसको बोलते हैं क्या वर्टिकल। तो चैनल का कॉन्फ्लिक्ट दोनों दो तरीके का होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक कौन सा वर्टिकल, ये डायगोनल सर्कुलर ट्रायंगुलर ऐसा नहीं होता है। आगे फिर ट्रिप्स और ट्रिम्स प्रोविजन, जो ट्रिप्स के ये दोनों WTO के अंदर इसके जो रूल्स बने हुए हैं, ट्रिप्स TRIPS तो ये होता है किसका ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, और ट्रिम्स जो है वो क्या होता है ट्रिप्स है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स और ट्रिम्स जो है वो क्या होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, ये दोनों जो है ये प्रोविजन फैसिलिटेट करते हैं आपको, सहायता करते हैं और प्रमोट करते हैं किसको FDI को, बिल्कुल सही बात है FDI को प्रमोट करने का काम करते हैं। और दूसरा ट्रिम्स एंड ट्रिप्स प्रोविजन जो है वो रिमूव करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंड एड्रेस करते हैं कैपिटल फ्लो सेंसिटिविटी, रिस्ट्रिक्शन को क्या करते हैं हटाते हैं और कैपिटल फ्लो को क्या करते हैं बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ट्रिम्स में आप यही तो कर रहे हो, ट्रिम्स के अंदर आप क्या करते हो आप FDI के ऊपर जो रोक लगी हुई है उनको हटाने का काम करोगे, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो क्या होगा बढ़ेगा, FDI जो है वो क्या होगा बढ़ेगा। तो दोनों की दोनों बातें एकदम क्या सही है, और आर रीजन जो है वो करेक्टली आपके असर्शन को एक्सप्लेन करती है। क्वेश्चन को दोबारा समझो, बोलता है ट्रिम्स एंड ट्रिप्स प्रोविजन जो है वो फैसिलिटेट करते हैं और प्रमोट करते हैं FDI को, क्या ये करते हैं? जी करते हैं। रीजन बोलते हैं ट्रिम्स और ट्रिप्स जो है ये प्रोविजन ये रिमूव करते हैं रिस्ट्रिक्शन, मतलब FDI के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगा है उसको रिमूव करेंगे, और अगर ये FDI पे लगने वाली रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करेंगे तभी तो आपका जो FDI है वो क्या होगी आपकी प्रमोट होगी। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें एकदम सही है, और जो रीजनिंग है वो करेक्टली आपके असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है। आगे फिर गुडनेस ऑफ फिट, आपके जो है वेरियस टेस्ट होते हैं, दो तरह के टेस्ट है स्टैट्स के अंदर, एक होता है आपके पैरामीट्रिक, एक है नॉन पैरामीट्रिक, जेड टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, ये सब जो आपके पैरामीट्रिक टेस्ट है, कायस्केर टेस्ट हो गया, एनोवा हो गया, ये सब आपके नॉन पैरामीट्रिक है, और नॉन पैरामीट्रिक के अंदर एक कायस्केर है जो किसकी बात करता है गुडनेस ऑफ फिट का, तो बोलता है गुडनेस ऑफ फिट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज टेस्टेड बाय किसके द्वारा कायस्केर, तो ये बता दिया आपको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल था रवि कॉर्पोरेशन का, EPS दिया है, ROI दिया है, और ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इसको R स्मॉल R से नोट करते हैं, और रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर ये क्या होता है KE 15% है KE। अब बोलता है व्हाट विल द प्राइस, आपका प्राइस पर शेयर क्या होगा एज पर वोल्टर मॉडल, अगर पे आउट रेशियो जो है वो 40% है, मतलब अगर DP रेशियो 40% है तो अर्निंग है 4, DP रेशियो 40% है तो DPS कितना होगा 4 × 40% कितना 1.6, ठीक है ना जी। तो वोल्टर मोटर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है DPS अपॉन KE प्लस R अपॉन KE इंटू EPS माइनस DPS अपॉन में KE, ये फॉर्मूला आप लगाओगे लगा के जो है ये निकल आएगा आपका, तो आंसर क्या है 29.87। ये हालांकि मैंने अलग से करवाया भी थे क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान रखना, तो ये फॉर्मूला वोल्टर मॉडल है, गोल्डन मॉडल और MM है, तीनों का फॉर्मूला याद करके जाना जरूर। अब भी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ स्टडी वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू यूज इन ऑर्डर टू मेजर द चेंज ओपिनियन ऑफ द कंज्यूमर रिपीटली, एक ही कंज्यूमर का ओपिनियन लगातार क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, मतलब यहां पे कौन से ऐसे स्टडी है जहां पे आप क्या करते हो एक कंज्यूमर का ओपिनियन को चेक करते हो, एक कंज्यूमर पहले कुछ और कर रहा था अब कुछ और कर रहा है, मतलब सेम कंज्यूमर को अलग अलग टाइम ओरिजन में क्या करते हैं एनालाइज करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी को ही बोलते हैं हम लोग क्या लॉन्गिट्यूडनल सर्वे, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या पैनल सर्वे, ये किसकी बात करेगा, इट इज ए रिसर्च डिजाइन, ये बेसिकली रिसर्च डिजाइन है डेट इन्वॉल्व जिसमें क्या होगा रिपीटेड ऑब्जर्वेशन होंगी ऑफ द सेम वेरिएबल ओवर द शॉर्ट और द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो इसको बोलते हैं क्या लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु कोइन द मेटाफोर इनविजिबल हैंड इन द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटीमेंट, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन आया था। वैसे ये जो हमारे एडम स्मिथ थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी 1759 में, उनका नाम क्या था, द थ्योरी ऑफ द मॉरल मॉरल सेंटीमेंट। तो इसके अंदर उन्होंने बोला था इनविजिबल हैंड इज अ मेटाफोर फॉर द अनसीन फोर्स दैट मूव द फ्री मार्केट इकोनॉमी, मतलब इन्होंने लेसिस फेयर की बात की थी। तो ये बेसिकली इसको कोइन, किसने कोइन किया था, तो एडम स्मिथ ने इस थ्योरी को जो बनाया था। आगे फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनर्जी मैनेजमेंट, मतलब एनर्जी को क्या करना है, आपको सेव करना है, उसको मैच करना है और उसकी ऑडिट करना है। तो एनर्जी ऑडिट जो आप करवाते हो, इट इंक्लूड विच द फॉलोइंग द बिजनेस एंटरप्राइज, तो उसमें क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहले एनर्जी ऑडिट करवाते हैं मिनिमाइज करने के लिए कॉस्ट ऑफ एनर्जी को, जी बिल्कुल करवाते हैं। एनर्जी ऑडिट करवाते हैं क्या करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए वेस्ट को, जी करवाते हैं इन द एनर्जी कंजम्पशन। फिर एनर्जी ऑडिट करवाते हैं स्केलिंग करने के लिए हार्मफुल इंपैक्ट ऑफ द पॉल्यूशन का इन द हेल्थ ऑफ द नेटिव, ये सर ये तो एनवायरमेंटल ऑडिट है, तो सी इसका पार्ट नहीं। और डी में क्या है, मिनिमाइज करने के लिए एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को, जी। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा इसका, ए बी एंड डी। आगे तो ये इसके तीनों के ऑब्जेक्टिव है। फिर आएगा जी आपका विच टाइप ऑफ रिटेलर इन्वॉल्व इन द कंपैरेटिवली लो प्राइस एज ए मेजर सेलिंग पॉइंट। अब ध्यान से सुनना, बोलता है इनमें से कौन सा, किस तरह का जो रिटेलर है वो इन्वॉल्व है किसमें, इन द कंपैरेटिवली लो प्राइस एज ए मेजर सेलिंग पॉइंट कंबाइंड विद द रिड्यूस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कि जो अपने प्राइस को जो है वो क्या करते हैं, कम प्राइस पे सामान को बेचने का काम करते हैं, तो ऐसे कौन से हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिस्काउंट रिटेलर। क्या बोलते हैं उसको, डिस्काउंट रिटेलर। तो आंसर क्या आ गया, डिस्काउंट रिटेलर। लो जी ये 50 क्वेश्चन आज हमने करे, क्या है इन क्वेश्चंस के अंदर, ये पेपर आपका आया था एग्जाम के अंदर। अब होता क्या है, आप क्वेश्चन अगर आप देख रहे होगे ना, आप समझ रहे होगे, तो आपको लगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आया था। होता क्या है कि एग्जाम में एक फियर हो जाता है, तो वो फियर नहीं आए तो उसके लिए क्या, प्रैक्टिस करके जाओ। अभी 20 दिन पड़े हैं, तो अभी वैसे बहुत सारी हाइप्स उड़ रही हैं कि पेपर नहीं होगा, पेपर कैंसिल होगा, बट जो भी होगा छोड़ो, अगर कैंसिल होता है तो अपने को ओवर टाइम मिलेगा, बट स्टिल अभी 20 दिन है, 20 दिन प्रॉपरली जो है वो आप स्टडी करें, आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। ओके जी सर, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, इनको अच्छे तरीके से कीजिए। इनका जो दूसरा पार्ट है वो मैं कल बोले तो 12 तारीख को मैं डालूंगा इसका जो दूसरा पार्ट है, और साथ में कोविड वाला टॉपिक भी डालूंगा, उसको जरूर करके जाना, क्योंकि अब दोबारा उसमें कुछ और चेंजेस आए हैं तो वो भी हम करके जाएंगे कि कोविड का इंडियन इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट पड़ा, तो 2 से 3 क्वेश्चन से बन सकते हैं, तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। ओके जी सर, चलो आप ये कीजिए, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में जिसमें 50 क्वेश्चन के आगे एक और डिस्कस करेंगे, पहले पेपर नंबर 2 और साथ में पेपर नंबर 1 के जो पेपर हैं, पेपर 1 जो हुआ था अपना, तो वो भी मैं साथ साथ में कवर करूंगा। लगभग 10 पिछले सालों के पेपर जो है वो आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है, तो उससे आपका जो आइडिया है वो भी और भी डेवलप होता रहेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल, तो ट्रेंड में कौन कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं, तो थोड़ा सा आइडिया बन जाएगा, तो एक पिक्चर क्लियर होती जाएगी कि तैयारी जो चल रही है क्या उसी लेवल पे चल रही है नहीं चल रही है, तो थोड़ा सा आगे उसको पेपर को क्रैक करने में ईजी हो जाएगा। ओके जी चलो ये कीजिए, और बाकी मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। क्वेश्चन तरीके से आप इसको कीजिए, इसको आराम से बैठ के सोचिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, देन फिर हो जाएगा। ओके जी, कोई भी बच्चा अगर अगले दिसंबर की अगर तैयारी कर रहा है दिसंबर 2021 के, तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर आपको मिलेंगे सारे के सारे वीडियो लेक्चर पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के, प्लस में मिलेगा आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे नंबर दिया हुआ इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। डेमो के बहुत सारे लेक्चर्स हैं ऑलरेडी हमने यूट्यूब के ऊपर डाले हुए हैं, तो आप उनको देख के आइडिया लगा सकते हैं कि कितने बढ़िया तरीके से हम लोग तैयारी करवाते हैं। ओके जी चलो ये कीजिए, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।